हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल तो मैं हूँ आज शिमला में और आप देख सकते हो शिमला के कुछ नज़ारे। बट अगर आप उत्तराखंड या हिमाचल के किसी भी कोने से हो तो आपको ये जगह उतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ें हैं सामने। जो सबसे फेमस चीज़ है यहाँ का चर्च और ये जो रिज का एरिया है चारों तरफ आप देख सकते हो, और यहाँ हॉर्स राइडिंग बस दो कदम की पीछे साइड को, बस दो कदम की हॉर्स राइडिंग, उसके लिए भी लोग काफ़ी खुश होते हैं। वो तो हमने बचपन में स्कूल ज़्यादा टाइम ही कर ली थी हॉर्स राइडिंग। और ये हमारे देश का फ्लैग सामने बैक साइड को, तो ये शिमला का रिज इसी को कहा जाता है। और यहाँ से एक और बहुत अच्छी लोकेशन और एक बहुत अच्छा मंदिर है जो कि सामने पीछे साइड को है, इसके चर्च के सामने हनुमान जी का मंदिर। हम वहाँ भी जाएंगे थोड़ी देर पर। फिलहाल मैं कुछ सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूँ आपको शिमला के, अगर जिसने नहीं देखा वो देख लें, जिन्होंने देखा बहुत अच्छी बात है। तो दिखाता हूँ आगे की व्यू। ये कुछ शानदार से नज़ारे हैं शिमला के, और ये जो शिमला का लोकल जो अटायर, जो वहाँ की वेशभूषा है शिमला की, वो यहाँ पे आप पहन सकते हो उसको और फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हो। और सामने मैं दिखाऊंगा आपको जो चर्च के सामने सीधे हनुमान जी की मूर्ति दिख रही होगी आपको सामने बिल्कुल टॉप पे, अभी हम वहीं जाएंगे, देखो बिल्कुल सामने पे। और मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि इसके अलावा यहाँ कुछ खास है। हाँ, अगर बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ बहुत कुछ खास आपको देखने को मिलता है, वरना यही सब कुछ, लोगों की भीड़, यही सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। तो फिलहाल गाइज, ये रिज घूमने के बाद मैं चलूँगा अब मंदिर को, जो कि हनुमान जी का टेम्पल है। मैं पैदल पैदल रास्ते चलूँगा, आप गाड़ी पर भी जा सकते हो और जो ट्रॉली वगैरह होता है उससे भी जा सकते हो। सामने देख सकते हो आप चर्च, और चर्च के बगल से ही वहाँ के लिए रास्ता है, और लोग बिजी हैं फ़ोटोज़ और रील्स बनाने में। ठीक है, मिलते हैं आगे। तो फिलहाल गाइस, हम निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप पे है हनुमान जी का मंदिर। पैदल वाले थोड़े संभल के, क्योंकि आप देख रहे हो मेरी सांस फूली है, बिल्कुल चढ़ाई है। तो फिलहाल दोस्तों थोड़ा बच गए हैं और काफ़ी नज़दीक है मंदिर के, बस पहुंचने ही वाले हैं। तो फिलहाल गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में। देख सकते हैं ये है रोड का रास्ता, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, और हम आए थे पैदल रास्ते नीचे से यहाँ से, अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर। तो फाइनली गाइस, इतनी मेहनत करने के बाद हम पहुँच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर। आप देख सकते हो हनुमान जी की मूर्ति। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट पैदल चलने हैं, बट खड़ी चढ़ाई है तो थोड़ा दिक्कत तो होती है, पर दर्शन करने हो तो पैदल आने में ही मज़ा है। ये है हनुमान जी का मंदिर शिमला। तो आप दर्शन कर सकते हैं जाकू टेंपल हिमाचल प्रदेश। लोग यहाँ दुनिया भर से आए रहते हैं, और ये मंदिर जितना खूबसूरत है ये जगह भी उतनी खूबसूरत। मंदिर परिसर काफ़ी खूबसूरत है, मंदिर परिसर का जो एरिया है। तो फिलहाल गाइज, मंदिर के दर्शन कराने के बाद हम लेते हैं आपसे अलविदा, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।
फिलहाल तो भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आप सभी को खुश रखे।